और ये ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे जल्दी जल्दी से बनाइए और अपने परिवार के साथ इंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड कस्टर्ड पाउडर, जो बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है और इसका सारा सामान बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है चीनी। चीनी को हमने पीस लिया है और उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। ये आधा कप चीनी है। इस चीनी को हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और ये है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और ये है आधा कप 1/4 कप मिल्क पाउडर और इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस। ये मैं बटर स्कॉच फ्लेवर में बना रही हूँ, आप कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं, क्योंकि बटर स्कॉच में इसलिए बना रही हूँ, एक तो ये बेस हो जाता है, आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप आइसक्रीम बनाएं, चाहे डेजर्ट बनाएं, और इसमें कोई और फ्लेवर भी आप मिला सकते हैं, इसलिए हम इसे बना रहे हैं। और इसमें बटर स्कॉच एसेंस में, बटर स्कॉच जो फ्लेवर हम बनाते हैं उसमें कोई कलर भी नहीं जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेटर रहता है। विदाउट कलर बना रहे हैं हम इसको नेचुरल वे में। और इसको हम एक बार चला देंगे ताकि जो हमने एसेंस डाला है वो सारे में मिल जाए। तो ये लीजिए, बटर स्कॉच फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप बटर स्कॉच की कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं तो वो इससे बना सकते हैं, और अगर कोई और फ्लेवर आप करना चाहते हैं तो इसी में फ्लेवर और कलर वगैरह डाल के आप कुछ भी बना सकते हैं। इस कस्टर्ड पाउडर से आप डेजर्ट, आइसक्रीम, शेक्स कुछ भी बना सकते हैं। शेक्स मैंने बना के डाल रखे हैं, कस्टर्ड पाउडर शेक, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और अब हम इससे आपको कस्टर्ड बना के दिखाएंगे। तो अब हम 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड ले रहे हैं, ये छोटा चम्मच है तो हम 4 चम्मच ले लेते हैं। और इस कस्टर्ड पाउडर को आप एयर टाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं और 6 से 7 महीने तक इसका यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें मॉइस्चर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला हुआ है तो फिर वो जमना शुरू हो जाएगा, और चीनी भी है, दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें मॉइस्चर नहीं पहुंचना चाहिए। और जो ये बटर स्कॉच फ्लेवर या कोई भी और फ्लेवर होता है वो आपको आसानी से किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आपको बेकरी स्टोर पर मिल जाएगा ये। अब इसको हम दूध में घोलेंगे। ये कढ़ाई में भी हमने दूध रख लिया है, इसको उबालेंगे, लेकिन पहले इसमें हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। अब ये पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम दूध में डाल देते हैं। अब इसको हम गैस पे चढ़ाएंगे और गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे, और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है ताकि कोई गुठली या लम्स इसमें ना पड़े। अब इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है और 3-4 मिनट इसे पकाएंगे, जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता है, और लगातार इसे चलाते हुए हमें पकाना है, नहीं तो इसमें कॉर्नफ्लोर है
तो नीचे गुठली आने का डर रहता है, तली में वो लग जाएगा, जम जाएगा। और आँच को हम पहले तो जब गैस पे चढ़ाएंगे तब थोड़ा सा स्लो टू मीडियम रखेंगे, और उसके बाद जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल स्लो पे कर देंगे इसको। और इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसमें मैंने अब चीनी नहीं डाली है क्योंकि हम फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाएंगे तो उसमें जैसे फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं तो उसमें भी चीनी होती है, और अगर आपको ज़्यादा चीनी खानी है तो आप अपने हिसाब से शुगर को एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा शुगर और डाल सकते हैं उसमें। जो भी आप होममेड कस्टर्ड पाउडर से कोई चीज़ बना रहे हैं। अब हमने गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है और इसको लगातार चला रहे हैं। मार्केट से बहुत अच्छा बनता है, मार्केट में तो इस तरीके का जो आता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सिर्फ कॉर्नफ्लोर होता है और एसेंस होता है और कलर होता है उसमें, लेकिन इसमें हमने मीठा भी डाल दिया, शुगर पाउडर भी है इसमें और दूध का पाउडर भी है, उससे क्रीमी टेस्ट आता है। जो भी चीज़ आप बनाएंगे जो इसमें दूध का पाउडर है उससे बहुत क्रीमी टेस्ट आता है। इसको मिक्स करते करते हमें 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि ये सिम आंच पे है इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा, और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, यानी जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतनी हो गई है, क्योंकि ये ठंडा होके भी गाढ़ा होगा। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना था। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस बेस से आप चाहे आइसक्रीम बनाएं, चाहे आप मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बनाएं, कुछ भी जो आप बनाना चाहते हैं इस बेस से बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बता रहे हैं आपको, इस समय आम का सीजन है इसलिए हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड। यहाँ मैंने आम के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख लिए हैं, इनको हम डालेंगे इसके अंदर। थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं हमने। इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप्स, थोड़े से ब्लैक चॉकलेट चिप्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और ये टूटी फ्रूटी। अब ये सारी चीज़ें मीठी हैं तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और बाउल में निकाल लेंगे। और इसको करेंगे हम कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा। अब ये कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और इसको हम सर्व करेंगे। आप किसी भी बाउल में, ग्लासेस में इसको सर्व कर सकते हैं। हमने ग्लासेस में सर्व कर दिया है। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा कटे हुए ये आम के टुकड़े। अब इसमें हम डालेंगे
व्हाइट चॉकलेट चिप्स, ब्लैक चॉकलेट चिप्स, आपके पास जो चीज़ हो आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ये सब चीज़ें मेरे पास हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, जो हमने इसके अंदर डाला है वही हम गार्निशिंग में डाल रहे हैं, और ये टूटी फ्रूटी, और ये ठंडा ठंडा मैंगो कस्टर्ड खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे जल्दी जल्दी से बनाइए और अपने परिवार के साथ इंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।